देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या कटारिया परिवाराला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न कटारिया फाउंडेशनच्या वतीने केला गेला। कटारिया फाउंडेशनच्या वतीने देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या कटारिया परिवाराला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला गेला। कोणताही व्यवसाय अथवा उपक्रम करीत असताना या उपक्रमात जर आपल्याला आपल्या परिवाराची साथ मिळाली, अडीअडचणीच्या काळात मदत झाली, तर आपला व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, उदीम कमालीचा तेजीत येऊ शकतो आणि त्याचा उपयोग आपल्याला आपलं जीवनमान उंचवण्यासाठी होतो। हीच बाब लक्षात घेऊन कटारिया परिवारानं एक फाउंडेशन तयार केलंय। आपल्या कुटुंबाबरोबरच कटारिया आडनाव असलेल्या समाजातील सर्व ज्ञाती बांधवांना एकत्र आणून त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणं, त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होणं, त्याचबरोबर देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या कटारिया परिवाराच्या सर्व सदस्यांच्या व्यवसाय, उद्योग, उदीमांना मदत करणं, त्यांना चालना देणं, प्रोत्साहन देणं हा या संमेलनाचा मुख्य उद्देश होता। गेल्या अनेक वर्षांपासून न चुकता कटारिया फाउंडेशन देशाच्या कानाकोपऱ्यात विखुरलेल्या कटारिया परिवाराला एकत्र आणण्याचं काम करत आहे। यावेळी समाजातील ज्येष्ठ मार्गदर्शक केवळचंदजी कटारिया, अशोक कटारिया, घेवरचंद कटारिया, प्रकाश कटारिया, रवींद्र कटारिया आदींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं। कार्यक्रमात सुरुवातीला ध्वजारोहण करून गणतंत्र दिनी तिरंग्याला मानवंदना देण्यात आली। केवळचंद कटारिया यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं। मान्यवरांच्या सत्कार समारंभानंतर कटारिया परिवारातील सर्व सदस्यांना परिवाराशी सदैव एकनिष्ठ राहण्याची शपथ देण्यात आली। त्यानंतर कटारिया परिवाराचं नेतृत्व करीत मोठा उद्योग व्यवसाय उभा करणाऱ्या यशस्वी उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी आपली मनोगत व्यक्त केली। कटारिया परिवार का जो स्नेह मिलन हो रहा है, इसका उद्देश्य यही है कि हम कटारिया परिवार के उन्नति के लिए काम करें। हमारा एक ऋण बनता है अपने भाइयों के प्रति, जो हमें यही फेंकना है। हर एक आदमी को अपने कटारिया परिवार की उन्नति के लिए काम करना है। आप कटारिया परिवार पूरे भारत भर है। भारत के कोई भी कोने में अपनी लड़की अगर पढ़ने को जाती है, आप ये कटारिया फाउंडेशन के पदाधिकारी या ये कमिटी मेंबर्स या मुझे आप इन्फॉर्म करिए कि मेरी बेटी बॉम्बे पढ़ने जा रही है। मैं आदरणीय प्रकाश चंद जी साहब को बोलूंगा कि अदर साहब, ये अपने कटारिया परिवार की लड़की बॉम्बे आ रही है, आप मानेंगे नहीं जो संरक्षण वो लड़की को मिलेगा, जो पूछताछ उसकी होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम छात्रति जी लोग हैं, भगवान राम सूर्यवंशी थे, कोई चंद्रवंशी था, तो हम क्षत्रिय है लेकिन हम सूर्यवंशी भी नहीं है, हम चंद्रवंशी भी नहीं है, और दुनिया में बहुत रेयर लोग हैं, हम अग्निवंशज हैं। हमारा क्षत्रदेह अग्नि में से निकला हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारे पुरखों बहुत डिप्लोमेट थे, इसलिए तो ये B2B करूं, ये भारी है। जैसे तुमने आपका भी यहाँ पे दुकान है, कोई किसी का होलसेल का दुकान है, तो किसी रिटेलर को देना हो तो उसको पहले प्रेफरेंस करो, उसको ऊंचा लाओ, उसको ऊपर लाओ, उसके हिसाब से उसको हेल्प करो। तो एक B2B हो। दूसरी जो बात थी कि आजकल सबसे बड़ी बात जो है एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके पहले था कि मेरे बाप दादा के पैसे यह है, मेरी फैक्ट्रियाँ है, मेरी है, तो मैं आगे चलाता हूँ। अब वो जमाना गया है, अब तो नॉलेज ये सबसे ऊँची बात है। आज भी तुम अगर दुनिया में देखोगे तो सबसे टॉप लोग जो है वो सिर्फ नॉलेज बेस पे है। इंडिया में सबसे टॉप लोग है नॉलेज बेस पे ऊपर है, जिनके पास सिर्फ नॉलेज है, बाकी कुछ नहीं है। और ये नॉलेज के लिए एजुकेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कोई मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी आपको नए यंगस्टर्स को कोई शॉप यहाँ पे स्टेब्लिश वगैरह करनी है तो हमारा पूरा सपोर्ट है। हमारा होलसेलिंग का बिजनेस है और जैसे भी आप चाहिए वैसा मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस आप चाहो तो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तो हमारा हर तरह भले के आपको कोई मैकेनिक का के ये वो जो भी है आप रविंदर जी से मिल सकते हो। फिर इथे शेण पडते तर आपण पोपडा काढ कशावर राहत नाही। इथं आलेले माणसं प्रत्येक कामाचा माणूस आहे, विश्वासाचा आहे आणि भविष्य कामाचा वेध घेऊन आपल्या, कारण माझं एक मत आहे,
आपण बरोबर दुसऱ्याला घेऊन ठरतो. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये फार टक्के तुम्ही पाहिलेत, परंतु तुम्ही आता वेगळ्या उंचीवर आल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये हा विचार आला. सर्वांनी आपल्या उत्पादनाची माहिती दिली आणि समाजातील उदयोन्मुख उद्योजकांना आपल्या व्यवसायात मार्गदर्शन करण्याचं आश्वासन सर्वांनी दिलं. कटारिया फाउंडेशननं सुरू केलेल्या ट्रस्टची माहिती यावेळी देण्यात आली आणि पुढील कालावधीत होणाऱ्या कटारिया परिवाराच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या तयारीचं निवेदन यावेळी देण्यात आलं. कटारिया फाउंडेशनचा हा उपक्रम नक्कीच युवकांसाठी प्रेरणादायी आहे. समस्त कटारिया, समस्त जैन कटारिया फाउंडेशन, समस्त जैन कटारिया फाउंडेशन का मेन ऑब्जेक्ट है सब भाई पा को इकट्ठे करने, आपस में नेटवर्किंग करना, एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के सुख दुख में साथ में रहना. इसमें हम लोग एक ट्रस्ट का गठन किया है, उसके नीचे एक नेशनल कमेटी बनेगी, उसके नीचे रीजनल कमेटी बनेगी, उससे हम सब भाइयों की तरफ पहुंच पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे और एक दूसरे को बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस में कैसे मदद करें, एक दूसरे के एजुकेशन में कैसे मदद करें, एक दूसरे के मेट्रो मिनरल के प्रोग्राम में कैसे मदद करें, वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा. अगले साल हमारा समस्त जैन कटारिया फाउंडेशन का अधिवेशन मोहनखेड़ा में एमपी में होने वाला है. टेंटेटिवली डेट नक्की है हमारा 6-7 जनवरी 2018. उसके अंदर में ऑल इंडिया से पूरे कटारिया भाई बहन भगिनी सब आएंगे और उसमें हम 2 दिन का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें मोटिवेशनल सेमिनार होंगे, B2B के एग्जीबिशन स्टॉल होंगे और यूथ के लिए, खास तौर के यूथ के लिए सेमिनार, मोटिवेशनल सेमिनार होंगे जिसमें यूथ को हमारी जो जैन वैल्यू है, जो जैन परंपरा है, वो कैसे टिकी रहे, वो हम उसके ऊपर ज़्यादा भार देना चाहते हैं. यूथ को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं. जो हमारा बिजनेस एक अलग तरीके से चल रहा था, पर आज के युग में, आज की टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे यंगस्टर कैसे अच्छी तरह से उस बिजनेस को और आगे लेके जा सके विद द टेक्नोलॉजी, वो हमारा प्रयास रहेगा नेक्स्ट अधिवेशन में. प्रतिनिधि वैभव घोड़के, ब्यूरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, पुणे मेट्रो, महानगराची लाइफ लाइन, अहमदनगर.